ये होता है एमीटर, इसकी रीडिंग होती है 0 से 30 एम्पीयर तक। यह वोल्टमीटर जिसकी रीडिंग होती है 0 वोल्ट से 300 वोल्ट तक इसकी रीडिंग होती है। एमीटर में भी दो टर्मिनल कनेक्शन होते हैं और जो वोल्टमीटर होता है उसमें भी दो टर्मिनल कनेक्शन होते हैं। ठीक है, अब वोल्टमीटर को हम पैरेलल में डायरेक्ट लगाते हैं तो ये जो रीडिंग है, रीडिंग देखते हैं 200 वोल्ट के करीब, 210 वोल्ट के करीब बता रहा है। ठीक है, ये इसको हम पैरेलल में लगाते हैं। अब लगाते हैं एमीटर, एमीटर को हम सीरीज़ में लगाना है पर हम डायरेक्ट पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, ये एमसीबी को ट्रिप कर देगा। ठीक है, अब एमीटर को हमें सीरीज़ में लगाना है, अभी हमने पैरेलल में लगा के चेक किया। सीरीज़ में लगाने के लिए क्या करेंगे, हम लैंप का एक वायर लेंगे, दूसरा मीटर से लगाएंगे और एमीटर का जो एक वायर है वो डायरेक्ट लगाएंगे। तो देखिए अब ये कुछ रीडिंग शो करेगा। ये रीडिंग इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो लोड है वो बहुत छोटा सा है और जो करंट है वो हमेशा लोड पर डिपेंड करता है।